सामने तो यार बिल्कुल माउंटेन रेंज दिख रही है, स्नो रेंज दिख रही है। तो बहुत ही बढ़िया चीज है भाई, टेंट के अंदर से आप मशाल इस तरीके से ऑपरेट कर सकते हो, और क्या चाहिए। तो ये भाई यहाँ के लोकल है और ये जा रहे हैं। बाय भैया, बाय। फाइनली हम भी झूले में बैठ गए भाई, रिवर के ऊपर है ये देखो। तो भाई उसके टेंट के पास आ गया भालू, और भाई उनकी मतलब हालत खराब हो गई, सारा टेंट को सूंघ रहा। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, आई एम निखिल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारा सेकंड डे है यहाँ पर चांशल पास पे, और नज़ारे ओए होए होए होए, क्या बताऊँ मैं यहाँ के नज़ारे, दिखाता हूँ आपको भाई। रात को तो इतनी ठंड थी ना कि हिम्मत ही नहीं हुई कि कुछ भी काम कर पाए या क्या कर पाए, बस मैगी बनाई, सूप पिया, थोड़ी देर हाथ सेके, उसके अलावा तो बाहर खड़े होने की हिम्मत ही नहीं हो रही। जैसे तैसे टेंट के अंदर आए, उसके बाद नींद आई, लेकिन ठंड भी इतनी लग रही थी कि भाई क्या ही गए। पर हाँ ये है कि मज़ा बहुत आ रहा है, मज़ा कह लो या सजा कह लो। लेकिन है मज़ेदार जो भी है। अब आपको नज़ारे दिखाता हूँ बाहर के, सामने तो यार बिल्कुल माउंटेन रेंज दिख रही है, स्नो रेंज दिख रही है। ये देखो, ये दो बॉटल्स हमने रात को बाहर छोड़ दी गलती से, पानी अंदर था थोड़ा थोड़ा, और ये देखो पानी का क्या हाल हुआ, पानी जम गया भाई, बर्फ बन गई पानी की। ये वो कोल्ड पायरो है जो हमने रात को जलाया था एज ए डेमो दिया था, वो एक ये तो खराब हो गया, इसको भी अभी मैं ले जाऊंगा साथ में, यहाँ पर छोड़ेंगे नहीं, कुछ भी ट्रैश हम यहाँ पर नहीं छोड़ेंगे भाई। अपने ट्रैशेज ना हमेशा अपने साथ वापस लेकर जाने चाहिए, क्योंकि इतनी खूबसूरत नेचुरल जगह को ना कभी गंदा नहीं करना चाहिए। पत्थर की लकीर कर लेनी चाहिए कि भाई हमारी वजह से ना नेचर में गंदगी ना हो। थोड़ा विंड नॉइज आ सकता है तो देख लेना यार। सोलर पैनल थ्री प्लेट्स में डिवाइडेड है, ये ऐसे फोल्ड हो जाता है, अगर आप चाहो तो इस तरीके से ये पूरा फोल्ड हो जाएगा, सिर्फ इतना सा आ जाता है, और इसके पीछे स्टैंड्स लगे होते हैं, और इजी टू कैरी है लाइक दिस। इसको आप स्टैंड्स को इस तरीके से आप थोड़ा जहाँ भी सन की डायरेक्शन है, जैसे सन की डायरेक्शन इधर है, तो इसको फेस करते हुए मैंने लगा दिया, काफ़ी मतलब अच्छी परफॉर्मेंस है चार्ज हुआ है 22%। अभी 20 था, लगाने के थोड़ी देर बाद 22 हो गया, सही है, परफॉर्मेंस एक नंबर है भाई। मैं खुद यूज़ कर रहा हूँ पहाड़ों पे, देख लो स्नो कैंपिंग चल रही है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सएप नंबर डाला हुआ है एक, उस पर आप व्हाट्सएप कर लेना, आपको डायरेक्ट डिलीवरी करवा दी जाएगी। बाकी मैं आपको और चीज़ें दिखाता हूँ जो हमारे सेफ्टी गियर्स में आती हैं, वो भी बहुत ज़रूरी हैं और बहुत ही इनोवेटिव और बहुत इफेक्टिव है रात को अगर लगा दी जाए। लेट्स हैव अ लुक। जैसे कैंपिंग में आप जब कैंपिंग कर रहे होते हो तो एनिमल प्रोटेक्शन को बहुत ध्यान में रखना होता है, तो वाइल्ड एनिमल्स का तो डर होता ही है, बेयर्स हो गए तो उनका तो रिस्क है ही, मेन उन्हीं का ही होता है सबसे ज़्यादा, बाकी तेंदुआ टाइगर इनका इतना नहीं होता, बट ठीक है आपकी सराउंडिंग में इनमें से कोई भी आ सकता है। अपने टेंट से इनको थोड़ा दूर रखने के लिए इस तरीके के केमिकल्स का यूज़ करते हैं हम अपने टेंट के आसपास ना, इसको बस एक लक्ष्मण रेखा की तरह ना एक सर्कल में डाल दो, इसकी स्मेल पूरी रात तक रहेगी, तो कोई भी एनिमल वगैरह यहाँ आएगा नहीं, तो बहुत काम की चीज़ है भाई। और आपको अगर चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप कर देना, इसकी सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी जाएगी। आपको पता ही है अगर कैंपिंग के अगर शौकीन हो तो भाई ये भली बात ही आप जानते होगे कि यहाँ पर जानवरों का तो रिस्क रहता ही है, और जानवरों का रिस्क अवॉइड करने के लिए ऐसे गैजेट्स की ज़रूरत पड़ती रहती है। इसको इलेक्ट्रिक फ्यूज़ कहते हैं। इस इलेक्ट्रिक फ्यूज़ से आप बाहर ना इस तरीके से मशाल बनाकर, इस मशाल को क्या किया मैंने एक ऐसा डंडा ले लिया, उसके ऊपर कपड़ा लपेट दिया अच्छे से, इस इलेक्ट्रिक फ्यूज़ को इस मशाल के नीचे यहाँ पर मैंने एक लगाया हुआ है, इसको भी उस तार से बांध देना है और इसके ऊपर एक कपड़ा ऐसे करके निकाल देना है। इसको इस मशाल वाली वायर के साथ कनेक्ट कर रहा हूँ, तो भाई मुझे अब क्या करना है ना, इस मशाल को सैनिटाइजर और डीजल से थोड़ा सा फिल करना है, बस ये ध्यान रखना है कि जो फ्यूज़ है ना उस पर सैनिटाइजर ना जाए या डीजल ना जाए, क्योंकि वो भीगेगा तो प्रॉब्लम होगी।
भाई ये सैनिटाइजर मैंने डाल दिया इस तरीके से। अब थोड़ा सा डीजल, ये भी जरूरी है। अब आपको क्या करना है, सेम यूएसबी से अपने पावर बैंक को चार्ज देना है इस तरीके से। तो भाई इस तरीके से जलती है मशाल हमारे इलेक्ट्रिक फ्यूज के साथ। बस थोड़ा इस ऐसी लोकेशन पे इसको प्लांट किया जाए ना जहाँ पर हवा कम चल रही हो तो जल जाता है। तो बहुत ही बढ़िया चीज़ है भाई, टेंट के अंदर से आप मशाल इस तरीके से ऑपरेट कर सकते हो, और क्या चाहिए। और ये होते हैं साउंड बस्ट। ये काम कैसे करते हैं, ये भी सिमिलरली आपको उसी वायर में कनेक्शन देना होता है, और इसका जो दूसरा सिरा यूएसबी वाला है उसको आपको पावर बैंक में कनेक्ट कर देना। भाई ये साउंड बस जल गया, अभी इसमें से एक आवाज आएगी बहुत तेज की, और वो देखना आप, वो एनिमल्स को भगाने के लिए काफी होती है। देखा इस तरीके से काम करता है, और भाई बहुत ही इफेक्टिव चीज है। अगर आपको इनमें से कोई भी आइटम चाहिए होगी तो नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दे दिया है, उस पर आप व्हाट्सएप कर लेना तो आपको वो चीज प्रोवाइड करवा दी जाएगी बाय कुरियर। तो आप इस तरीके से एनिमल प्रिवेंशन कर सकते हो अपनी कैंप साइट पे इन सारे गैजेट्स के थ्रू। तो भाई इतना ही था आपको आज दिखाने के लिए। अब हमने सारा सामान तो समेट ही दिया, अब भाई निकलते हैं फटाफट हमारे नीचे लोकेशन पे जहां हमें अभी नेक्स्ट जाना है। तो ऑलरेडी 12:30 हो चुके हैं, चलो भाई चलते हैं। बाय बाय चांशल पास, टाटा। चलो भाई अब नीचे उतरते हैं। यहीं पे हमने बाइक्स लगा दी थी, गर्मा गर्म चाय पी रहे हैं, ऊपर थोड़ा काम चल रहा है यार, थोड़ा अवॉइड करना। चलो चाय पीते हैं, वैसे ठंडी हो गई है, थोड़ी बहुत बची हुई है, आधी तो पी गया हमें, फिर चलते हैं भाई, शोर भी बहुत हो रहा है, चलो चलते हैं। भाई अभी जहाँ हमने चाय पी ना, वहाँ पर 2-3 लोकल्स मिले, वो बता रहे थे कि हाँ उनका कोई मतलब जान पहचान में बंदा ना ऊपर चांशल ही रुका था 2-3 दिन पहले, तो भाई उसके टेंट के पास आ गया भालू। और सनराइज तो उस टाइम नहीं हुआ था, हल्की हल्की चांद की रोशनी थी, और भाई उनकी मतलब हालत खराब हो गई, सारा टेंट को सूंघ रहा, बाहर से अंदर से आवाज आ रही, और नीचे से टेंट के जैसे होता है ना, नीचे से जो आउटर वाली लेयर के नीचे थोड़ा गैप होता है उसमें भाई भालू के पंजे के निशान दिख रहे उसको। बाकी भगवान जाने भाई, हमने तो वैसे अपनी सेफ्टी देख ली थी रात को, थोड़ा बहुत बाहर का सिस्टम को पायरो वायरो लगा रखे थे, अगर कुछ होता ऐसा कुछ तो भैया हम तो जला देते अंदर से ही। भालू भी कहता साला किनके तंबू पे उंगली करने आ गया मैं। चलो भाई रब रखा, भगवान ने सब बढ़िया रखा, फाइनल दुख भरे दिन भी तेरे भैया अब तो सुख आए रे। सड़क चेंज हो गई, रास्ता बड़ा खराब था, मस्सा मस्सा यार सड़क अच्छी आ गई हमारी, मजा आ गया। और एक भाई ने मुझे सुपर थैंक्स भेजा भाई, 1500 रुपए के आसपास। उस भाई का नाम है संदीप कामत। भाई जी बहुत बहुत थैंक यू सो मच मेरी जर्नी को सपोर्ट करने के लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। साथ में रिवर बह रही है, दिख रहा होगा आपको, सुंदर सुंदर सी रिवर भाई। अरे यार प्रदूषण, पहाड़ों को तो बख्श दो, शहरों का तो बेड़ा गर्क कर ही रखा है, इतना धुआं निकल रहा है। तो भाई सर्विस वगैरह करवा लेना गाड़ी की, इंजन ऑयल चेंज करा लो, फिल्टर साफ करा लो, जो कराना है करा लो यार, वातावरण दूषित करने में लगे हुए सारे। भाई जी अभी रुके हम यहाँ पर, एक रिवर क्रॉसिंग दिख गई और एकदम मस्त भाई, बड़ी फोटोज खींची हैं, इंस्टाग्राम पे आपको सारी फोटोज मिल जाएंगी, नीचे इंस्टाग्राम अकाउंट आ रहा होगा भाई, फॉलो कर लेना, बहुत मस्त फोटोज आई है यार, सारी डाल दूंगा इंस्टाग्राम पे, देख लेना। तो ये भाई यहाँ के लोकल है और ये जा रहे हैं, बाय भैया बाय। भाई क्या मस्त ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है यार, कोई फ्यूल नहीं, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं, रिवर क्रॉसिंग हो रही है, और हम किसी जगह पे जाते हैं ना तो रिवर क्रॉसिंग के लिए कितने पैसे देते हैं एक्टिविटी करने के लिए, देखा है, इतने रिमोट लोकेशंस पे ये सारी चीजें फ्री है। भैया कह रहे थे चलो हमारे साथ, हम आपको उधर ले चलते हैं, एक बंदा यहाँ से खींच लेगा वापस। क्या बात है भाई, रिवर क्रॉसिंग ओ भाई आ गई, ये तो इधर ही आ गई भाई, इधर ही आ गई, इधर ही आ गई भाई, देखो
ले आया भाई इधर ही सारा। फाइनली हम भी झूले में बैठ गए। भाई चले गए, हम तो चले गए। भाई रिवर के ऊपर पहुंच गए, हमें साले टूट टाट गई, टांड हो जाएगा भाई। भाई रिवर के ऊपर है ये देखो, और ये फ्री की रिवर क्रॉसिंग है, कोई पैसा नहीं लग रहा इसका। भाई खींच फटाफट वापस चले अब, मेरे को डर है साले टूट टाट गई है, पहले तो मरेंगे, सर फूल फाड़ देगी सारा। ओ भाई कैसे बैठे हुए देखो यार, अलग ही काइंड ऑफ एडवेंचर हो गया आज तो, बहुत मजेदार। भाई अल्टीमेट एक्सपीरियंस, अल्टीमेट, ऐसा मजा किसी ने पता नहीं किया हुआ ना क्या, हमें नहीं पता, पूरी मौज ले ली आज तो भाई, राइडिंग गियर डाल के। भाई कितना रह गया, थोड़ा सा आ गया, हमारा लैंडिंग प्लेटफॉर्म आने वाला है, तूने अगर छोड़ा ना वापस बीच में पहुंच जाएंगे। छोड़ी हम बांध दे जाए अपने डंडे से। ओ भाई बहुत बढ़िया, ये भाई बस ये दो पहियों पे टिकी है सारी गाड़ी हमारी। मजा आ गया, चलो चले यहाँ भाई। यहाँ नदी पे खेलम खिलाई करते करते ना अंधेरा हो गया, 5:30 हो गए, पहाड़ों में तो खैर जल्दी हो जाता है अंधेरा। चलो यार निकले, बहुत लेट हो गए अब, ठीक है, लेकिन मज़ा भी बहुत आया। ये नहीं है वंस इन अ लाइफ टाइम वाला गेम था ये वाला जो हमने आज खेला, पर बहुत मज़ा आया भाई, ऐसा एडवेंचर करके दिल खुश हो गया भाई, इसे कहते हैं रियल एडवेंचर। चलो चले यार। भाई अभी हम हैं रोडू में, रोडू मार्केट है ये, एक्चुअली हम गम्मा ही जा रहे हैं जहाँ हम कल स्टे किया था ना हमने, हम वहीं जा रहे हैं अभी, बट यहाँ रोडू में हमें क्या हुआ, मोमोज दिख गए यार, तो मोमोज खाने का मन कर गया पीयूष का, हमने कहा चल यार आज मोमोज खा ही लेते हैं फाइनल। आज तो बढ़िया काम हो गया यार, ठंड में भी गर्मा गर्म चीज़ मिल गई हमें। ये है रोडू के फेमस मोमोज, हरी चटनी और उसके साथ, ये बाजरे के आटे के बने हुए हैं, ये नॉर्मल मैदे और आटे वाले, बढ़िया भाई खा के देखते हैं मज़ा आ जाएगा। Right. पहले खाएंगे हम बाजरे वाला मोमोस, पहले बाजरे वाला मोमोस खाएंगे पहले। भाई जी बम, बहुत मजेदार। रोडू हिमाचल प्रदेश मार्केट में, ये भैया शक्ल देख लो। दोनों तरह के मोमोस जो खाए ना हमने भाई बहुत बढ़िया थे, पर ये भाई चटकारे लेके खा रहा था। ये मार्केट में नगर परिषद रोडू करके ये गेट बना हुआ है, ओल्ड बस स्टैंड के बाहर रोडू के, ये भाई यहाँ पर भीड़ लगी हुई है ना यहीं पे है वो। भाई इस टाइम हम ना बिल्कुल घने जंगल के बीच में से निकल रहे हैं पहाड़ों पे, और अभी बोर्ड नजर आ गया था, बिवेयर ऑफ वाइल्ड एनिमल्स ड्राइव स्लोली, फॉरेस्ट एरिया भाई पूरा। चलो अपना ही थ्रिल है भाई रात को ड्राइव करने का, रात को थोड़ा राइड करना कंपैरेटिवली आसान होता है मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि हम दूसरे की लेन यूज़ कर सकते हैं, सामने से पता लग जाता है कोई आ रहा नहीं आ रहा, उसकी लाइट बता देती है हेडलाइट। बढ़िया है जी, और ट्रैफिक भी कम होता है, ज़्यादा व्हीकल्स भी नहीं होते रात के टाइम तो। भाई बस हम गम्मा पहुँचने वाले हैं, 20 किलोमीटर के आसपास रह गया, चलो पहुँचते हैं फटाफट भाई, फिर आगे की रामकथा शुरू करते हैं। अभी राइड करके आए और हालत थी बहुत ज्यादा खराब। ये हमारे काकू भैया, ये हमसे परसों मिले थे, आपको पता ही है व्लॉग में देखा होगा फर्स्ट, और आज एक भाई ने और ज्वाइन किया, शुभम भाई हैं ये हमारे, और ये जो हैं ये तो हमारे बैठे हैं बचपन के मित्र पीयूषी सूफी धर्मा। भाई देखो बहुत ओकेशनली पीता हूँ, और आज क्या हुआ, आज इतनी ठंड थी ना, -9-10 डिग्री का टेम्परेचर झेलने के बाद ना ये लाल परी बनती है भाई, तो इसलिए एक एक पैग आज उठा ही लिया सिर्फ काको भैया के इंसिस्ट करने पे। और भैया का बहुत बड़ा व्यापार है एप्पल का, यहाँ के एप्पल के मतलब कह लो एप्पल किंग है ये, मतलब सेब खाना हो ना काको भैया को याद कर लो, सेब आपके मुंह में होगा।
बहुत बढ़िया यार, बहुत जेन्युइन इंसान है और सच में दिल के बहुत साफ, बहुत बहुत बढ़िया इंसान। तो भाई आज महफिल चल रही है, अरे कहाँ गया वो? और भाई हमें आज एक खास शख्सियत ने ज्वाइन किया, मिल्की ने, इसको कहते हैं मिल्की। ये कह रहा है हमें भी एक पैक बना के दो। मिल्की इधर आ, कितना प्यारा है देखो, इतने बड़े फर है यार, क्या ही कहूं। भगवान ने ना इनको नेचुरली ऐसा बनाया कि ठंड झेल जाए। क्या हुआ, क्या बहुत बढ़िया यार, क्या हुआ? चलो अब सीधा हम रूम पे जा रहे हैं, तो रूम पे मिलेंगे आपसे, फिर वहां आगे गुफ्तगु स्टार्ट करते हैं। वही रूम है देखो, महाराजा वाली सीट, ठाट शाट से बैठे हुए हैं, रूम वही है देख लो। और अभी नींद भी बहुत जबरदस्त आ रही है, रात को थके हुए हैं। तो भाई कल सुबह निकलते हैं नई डेस्टिनेशन की तरफ, और सारे कल के जो भी एक्सपीरियंसेस होंगे और जो भी होगा मजा आ जाएगा। सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना चैनल को, अगर लाइक नहीं किया तो लाइक भी जरूर कर देना, कमेंट्स कर देना कि आपको क्या पसंद आया। गाइस आज ना शक्ल ना थोड़ा कश्मीरी सेब होता है ना, जो वैसी हो गई है, लालम लाल। हाँ आरो एक मिनट, पीयूष आवाज मार रहा है, कह रहा है आजा भाई सो जा तू थोड़ी देर के लिए, आज सोते हैं यार बहुत ज्यादा नींद। आजा मेरे हाथ में आजा, आ गया। ओ भाई ओ तोड़ लिए, क्या बात है भाई, मजा आ गया, मजा।